नमस्ते, मैं हूँ अंशु। स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग इन काशी में। आज हम लोग बनाएंगे आटा के बहुत ही स्वादिष्ट पुए, जो यूपी और बिहार में नॉर्मली होली के टाइम बनाए जाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पुआ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप रेगुलर आटा, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। तो इसमें मैंने डाला है 1/4 कप चीनी और 5-6 इलायची कूट के डाल दिया है। और मैंने लिया है 1 कप गुनगुना दूध, जिसको मैं धीरे धीरे मिलाऊंगी इसमें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 या 2 बड़े चम्मच चीनी बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए ये बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें पूरा दूध डाल दे रही हूँ। घोल अभी बहुत गाढ़ा है, तो इसमें जाएगा और 2 बड़े चम्मच दूध। तो मैंने इसमें और 2 बड़े चम्मच दूध डाल दिया है, तो इसमें लगभग 1 कप और 2 बड़े चम्मच दूध गया है। घोल तैयार हो गया है, इसको हम लोग 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट होने देंगे ताकि आटा सेट हो जाए। 10 मिनट हो चुका है, तो चलिए इसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट्स और इसको हम हाथ से ही अच्छे से फेटेंगे, क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लफी हो जाता है। कितना भी आप स्पून से करें लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो इसको मैं हाथ से ही कर रही हूँ। मैं लगभग इसको 10 मिनट तक हाथ से अच्छे से फेट दूंगी। देखिए कितना अच्छा पतला गोल बन के रेडी हो गया 10 मिनट में। अब मैंने गैस पे पैन रखा है, उसमें तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो मैं इसे स्लो फ्लेम करके थोड़ा ठंडा करूँगी, क्योंकि अगर इसमें हम लोग ड्रॉप डालें तो ये ज़्यादा ऊपर जल्दी से नहीं आना चाहिए। देखिए तेल ठंडा हो चुका है, मैंने स्लो फ्लेम पे तेल को ठंडा कर लिया है। अब मैं एक कलछी में भर के पुआ का बैटर डाल दूंगी। देखिए धीरे धीरे पुआ खुद ही ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ चुका है। अब मैं इसे पलट दूंगी, फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू स्लो ही रहेगा, ज़्यादा हम लोग को हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो पुआ अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। और इसको हल्के हाथों से पलट देंगे। देखिए 5 मिनट बाद हम लोग का पुआ फूल चुका है। एक बार पुआ तलने में लगभग 5 से 6 मिनट लग जाता है, बहुत जल्दी जल्दी ना करें नहीं तो ये कच्चा रह जाता है, इसीलिए स्लो फ्लेम पे दबा दबा के ऐसे ही फुलाना, आपको अच्छे से इसको छानना है। इसको मैं अब निकाल लूंगी, ये हो चुका है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। अब वैसे ही दूसरा भी पुआ डालेंगे, तेल को थोड़ा ठंडा करेंगे। उसके बाद मैंने पुआ डाल दिया है, तेल मुझे यहाँ पे बहुत गर्म लग रहा है तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, थोड़ा तेल ठंडा हो गया है। देखिए अब ठंडा हो चुका है, गैस ऑन कर लिया मैंने, थोड़ा स्लो फ्लेम पे मैं इसको तल रही हूँ। देखिए 5 मिनट बाद ये भी बन के रेडी हो गया है। तो आप अच्छे से मेजरिंग करेंगे तो आपके भी पुआ एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।